ये है वो कुआँ हमारे गांव का जो सबसे पहला कुआँ था, और ऊपर ऊपर से जो है ना बाद में पत्थरों से इसका कुछ निर्माण किया गया था, लेकिन वो भी बाद में जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो पूरा लकड़ी का था, फिर बाद में इसके ऊपर ऊपर से जो है ये पत्थर लगाए हुए हैं, पूरा मोटर स्टार्ट वगैरह करने के जो स्टार्टर वगैरह वो फ्यूज़ मोटर के ये स्टार्टर, ये कुछ मीटर, ये टंकी किसी टाइम पे इसमें जो पानी भरा हुआ होता था अब इसमें पेड़ निकले हुए हैं। आप स्लो में निकाल सकते हो, यहाँ पे आप गाड़ी को स्लो में नहीं निकाल सकते। जैसे ये तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। आज जो है मैं आपको मेरा गांव दिखाने वाला हूं और गांव से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी आपको बताने वाला हूं, कैसे हमारे गांव का जो नाम पड़ा था उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ जो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे मोहल्ले की मस्जिद से, जो अभी नई तामीर हुई है। मस्जिद तो पहले से है लेकिन 1-2 साल पहले जो है पूरी नई तामीर करवाई गई है, तो पहले मैं आपको मस्जिद दिखा देता हूँ, यहाँ से अपने व्लॉग का शुरुआत करता हूँ। ये है हमारे मोहल्ले की मस्जिद, ऊपर से एकदम गुंबद जो है रोज़े रसूल के जैसा है, और ये प्यारी सी मस्जिद, पहले यहाँ पर हमारी पुरानी मस्जिद थी जिसकी जगह पर अभी जो है नई मस्जिद को तामीर किया गया है। मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ मस्जिद। ये हमारी मस्जिद अंदर से 3 दरवाजे हैं, 1, 2 और ये तीसरा दरवाज़ा। कुछ अंदर से ऐसी है हमारी प्यारी मस्जिद, इनमें कुरान शरीफ रखा हुआ है। यह मस्जिद और यहाँ पे ये पास में वज़ू खाना मस्जिद क्या, मस्जिद के जस्ट बाहर जो है ये दुकान इमाम रब्बानी किराना स्टोर, ये हमारे अंकल जी की दुकान है, हमारे मोहल्ले की दुकान है। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे गांव का जो है नाम है डेम्बा, और डेम्बा नाम कैसे पड़ा उसके पीछे जो है क्या कहानी है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप जो स्क्रीन पे आपकी इस वक्त जो दोरा देख रहे हो ये अभी तो बहुत छोटा हो गया, पहले जो है ये दोरा बहुत बड़ा हुआ करता था, और हमारे सिंधी में जो है ना दोरा जो होता है ना उसको बोलते दड़ा, और आज से कई साल पहले जो डेबा बोला जाता था सिंधी भाषा में। जैसे आपको भी पता है जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है, जैसे एडवांस होते जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है, तो वैसे ही बहुत साल पहले जो डेबा बोला जाता था सिंधी भाषा में, और उस टाइम गांव के जो नाम के बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो जो लोग निकलते थे जैसे पैदल यात्री हुआ करते थे या सवारी जो भी निकलती जो भी लोग देखते थे वो ये बोलते थे ड्रेबे वारो गोट, जिसका मतलब है कि धोरे वाला गांव। तो वहाँ से करते करते ड्रेबा ड्रेबा करते करते फिर जो है ना वो ड्रेबा से डेम्बा हो गया, तो हमारा नाम जो है इस धोरे की वजह से जो डेम्बा पड़ा था हमारे गांव का। अब मैं आपको हमारे गांव का सबसे पहला जो कुआँ है वो दिखाने जा रहा हूँ, और उस कुएँ की एक खासियत ये भी है कि उस कुएँ के अंदर जब बनाया गया था तो पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, पूरा जो है लकड़ी से बना हुआ था। अंदर गड्ढा खोदते थे उसमें जैसे लकड़ियाँ सेट कर जैसे पत्थर रखे जाते हैं, वैसे जो उसमें पूरी वो लकड़ी की बनाई हुई थी कुएं की जो दीवार थी, वो आपको वो दिखाने लेके चल रहा हूँ। ये है वो कुआं हमारे गांव का जो सबसे पहला कुआं था, और ऊपर ऊपर से जो है ना बाद में पत्थरों से इसका कुछ निर्माण किया गया था, लेकिन वो भी बाद में जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो पूरा लकड़ी का था, फिर बाद में इसके ऊपर ऊपर से जो है ये पत्थर लगाए हुए, वो भी आधे तक होंगे शायद, और हम इसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैमरा जितना करीब कर सकता हूँ, ये देखिए। अब जो ये है बंद पड़ा है, ट्यूबवेल वगैरह हो गई, उसके बाद में जो पहला कुआँ है वो हमारे गांव का ये है, और ये हमारे गांव की ट्यूबवेल जिसका बोरिंग जो है यहीं कहीं है शायद, जिससे जो आजकल हमारा गांव जो है पूरा पानी पीता है। ये टंकियां जो है इनमें शायद अब पानी नहीं रहता, इस वाली में शायद है जो दोबारा निर्माण हुई, ये हमारे पहले वाली थी जो टूटी हुई पड़ी है, और इसमें अभी भी पानी भरा हुआ रहता है। ये यहाँ पर ये गाय भैंसों के लिए जो है बना हुआ है, जिसके अंदर जैसे पानी इकट्ठा होता है, गाय भैंसे पशु जो है गाँव के वो यहाँ पर पानी पीते हैं। ऊपर एक टोंटी लगी हुई है जिससे आने जाने वाले रागीर भी पानी पी सकते हैं,
राजस्थान में जो हमारे पानी की कमी नहीं है, इसका जो है बोरिंग यहीं की है शायद, मैं भूल गया हूँ कहाँ था। वो रहा हमारे जो बोरिंग है जिससे पूरे गांव के लिए पानी निकलता है, और फिर पूरे मतलब अलग अलग वॉल लगे हुए हर मोहल्ले के हिसाब से, जो यहाँ पे वॉल सेट है से हमारे मोहल्ले का है जो वहाँ आगे लगा हुआ है, बाकी हर किसी के अलग अलग जो है मोहल्ले के हिसाब से जो इनके वाल लगे हुए हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत होती है जैसे नंबर वाइज उनको पानी उनके मोहल्ले में छोड़ा जाता है। ये हमारी स्कूल गाँव की जहाँ पर हम कभी कूटे जाते थे। इस स्कूल में कभी हम कूटे जाते थे तब ये 5वीं तक की थी, और पिछले 2-3 सालों में जो है इसको अपग्रेड करके 8वीं कर दिया गया है। स्कूल के पास में जो हमारा आर ओ प्लांट लगा हुआ है जिसका अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन पानी वानी जो इसमें चालू है, पर अभी वो सिस्टम जो इसमें लगाया जाता है वो अभी तक कुछ काम इसका बाकी है, यह हाल ही में बना है। और यहाँ पर यह सड़क हमारी जो इस तरफ जाती है सेड़वा, जो हमारी नज़दीकी बाज़ार है और एक छोटा सा कस्बा है, और इस तरफ जो है बीकेटी की तरफ जाती है, जो इस सड़क पर पहला गांव पड़ता है वो पूंजासर पड़ता है, और इस तरफ जो है हमारा सेड़वा जो हमारे करीबी मार्केट जो है, और यहीं सड़क के पास में ही जस्ट ये हमारे वो उचित मूल्य की दुकान जहाँ पे जो सरकारी राशन वगैरह जो वो मिलता है, फिलहाल जो बंद है। तो अभी स्कूल के बाद और आधा गांव दिखाने के बाद हम आपको लेकर आए हैं हमारी जामा मस्जिद, जो हमारे गांव की सबसे प्यारी जगह है। वहां पर हम आपको भी दिखाते हैं हमारी जामा मस्जिद। ये है हमारी जामा मस्जिद। मस्जिद जो बहुत ही खूबसूरत है बाहर से, कितनी प्यारी लग रही है, और हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे। ये वहाँ से गेट, और यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं मस्जिद में। ये जो मस्जिद है पूरी तामीर की गई है जैसलमेर की जो लीरी बोलते हैं उससे, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे हमारे गांव में, और उस टाइम पे किसी को बात बात करनी होती थी तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन था और वो था टेलीफोन। उस टाइम पे जो उसका नेटवर्क ये रहा हमारे गांव में एकमात्र यही था। आज से कई साल पहले तो सिर्फ एक ही टेलीफोन था पूरे गांव में, जो अगर कोई बाहर जाता करता था या कोई हॉस्पिटल वगैरह में रहते थे तो इनका एक का नंबर रहा करता था, और उस पर जो है पूरे गांव वाले समाचार वगैरह लिया करते थे। जो मोबाइल फ़ोन आने के बाद जो है वो चीज़ गायब सी हो चुकी है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरा व्लॉग देख रहे हो और आपको मोटो व्लॉगिंग ना देखने को मिले, ऐसा थोड़ा नाइंसाफ़ी है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी कब्रिस्तान की तरफ दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा खेत जो है उस तरफ है, तो हम बाइक से जाएंगे मैं और पटेल साहब दोनों, और हम खेत दिखाएंगे आपको हमारे, वहाँ पे क्या कुछ फसल बोई हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं खेतों की तरफ, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के साथ हम आपको दिखाएंगे हमारे खेत, और उनमें क्या कुछ बोया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ हमारे गाँव का कब्रिस्तान भी आपको दिखा देंगे। आप भी आ सकते हो कभी भी पाटिया लगाने के लिए हमारे खेतों की तरफ के रास्ते। और ये हमारा इकलौता टावर गांव का, जो जियो का इकलौता नेटवर्क है हमारा। यहाँ पर बाइक को चलाना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका रीज़न ये है कि सड़क की दुविधा है, उससे ज़्यादा जो साइड में झाड़ियाँ बबूल कांटे जो है इनको इनसे संभल के चलना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अब जो भी सामने से गाड़ी वगैरह अगर कोई आती है बाई चांस तो वो स्लो स्पीड में नहीं रहेगी, वो स्पीड में रहेगी तो स्लो में जो फंस जाती है एकदम से, जैसे अभी यहाँ से आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गाड़ी सामने आ जाती है तब फिर जो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कंट्रोल करने में, हमें भी कुछ हद तक जो स्पीड में रखनी पड़ती है बाइक को, नहीं तो फंस जाती है। जैसे ये टर्न है ये बहुत खतरनाक टर्न हो जाता है, क्योंकि सड़क पर आप स्लो में निकाल सकते हो, यहाँ पर आप गाड़ी को स्लो में नहीं निकाल सकते। जैसे ये अरे चल
बात कर ही रहा था, जैसे ये भी दिक्कत होगी गाड़ी की। अरे जैसे हम बात कर ही रहा था कि इस तरीके से जो है गाड़ियाँ एकदम से कच्चे में अगर सामने आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये है हमारे गांव का कब्रिस्तान, जो पहले वहाँ तक था और उसके बाद में बढ़ाकर यहाँ तक कर दी है बाउंड्री। ये हम आ गए हमारे खेत पे, जिसमें जो है जीरा निकाल रखा है और कुछ बाकी है उधर अरंडी जो है वो आगे है वहाँ पर। हम बाइक को करते हैं यहाँ खड़ी, फिर आपको खेत घुमाते हैं। तो अभी है हम हमारे खेत में, मैं आपको मेरी ज़मीन दिखाता हूँ। वहाँ से जो जड़ है मेड़ जिसको बोलते हैं वो वहाँ से लेकर और वहाँ तक है पीछे तक पूरी, ये लगभग 20 बीघा के आसपास की ज़मीन है हमारी। और यहाँ पर ये जो है ये अरंडी बोई हुई है जिसकी अभी कटाई चल रही है। यहाँ से ये देखो ऊपर से जैसे काट के ले लिया गया है, ये है इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, यहाँ से ये इसके ऊपर के बीज इनको काट लिया जाएगा, फिर इनको जो थ्रेसर से निकाला जाता है। और इस तरफ ये रहा जीरा, जीरा जो है ख़राब काफ़ी हो चुका है बारिश की वजह से, ये ऊपर से ही आप देख सकते हो ये पूरा ख़राब हो चुका है और नीचे का ये भी जीरा एकदम साबुत और सही है। हमारे यहाँ जीरे की फसल सबसे ज़्यादा होती है और अरंडी होती है और जो है इसबगोल भी होता है और बाजरा। अभी जैसे जीरा निकाल के इसके बाद में जो है बाजरे की बुवाई की जाएगी यहाँ खेत में। ये वो हमारा ट्यूबवेल जहाँ से जो है ये कुआ है जिससे जो है पानी मोटर के द्वारा खींचा जाता है और जो खेत की सिंचाई की जाती है। ये टंकी किसी टाइम पे इसमें जो पानी भरा हुआ होता था अब इसमें पेड़ निकले हुए हैं। इसके अंदर जो हमारा मोटर का जो सेटअप है वो रखा हुआ है पूरा, स्टार्टर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर पूरा मोटर स्टार्ट वगैरह करने के जो स्टार्टर वगैरह वो फ्यूज़ मोटर के, ये स्टार्टर, ये कुछ मीटर है, अभी लाइट पड़ी है शायद 400 वोल्टेज। और ये जब स्टार्ट रहती है तो इसमें वो रहता है वो क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं जो सीन वो रहता है। एक ये ख़राब बोर्ड यहाँ पर पड़ा है, अभी जो मोटर बंद पड़ी है क्योंकि सिंचाई के लिए कुछ है नहीं, जीरा निकालने में लगे हुए हैं और अरंडी को भी शायद अभी पानी की जो है ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश भी हुई है। अभी हम निकलते हैं वापस खेत से घर की ओर और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ खेत से बाहर निकलने पहले। अभी वो जो आप सामने देख रहे हो वो जो पेड़ है उसके जस्ट पास में जो पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ब्लॉक रखे हुए वो हमारी ईदगाह है, कब्रिस्तान है इस तरफ और इसके जस्ट कब्रिस्तान के आगे ही मतलब जो ईदगाह है। और इससे हमें एक बेनिफिट मिलता है, हम जब वैसे ईद पढ़ने आता है ना तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं उनके यहाँ फातिहा भी लगा लेते हैं और साथ ही साथ जो है ईद भी पढ़ लेते हैं। मैं वापस गाँव मेरे गाँव का कुत्ता, अब हम जाएंगे सीधे अपने घर। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था। आज के वीडियो में मैंने कोशिश की आप लोगों को जो है मेरा गांव दिखाने की और गांव से जुड़ी हुई जो जानकारी जहाँ तक मुझे पता थी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाइए हमें फॉलो कर लीजिए। आप मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें DM करके भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट और हर एक DM का जो है आपको रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।